भैया 90 में थे, पूरे 90 है, 75 पाना, 90 में से 90 है, कोई है ही नहीं कैंडिडेट अपोजिट पार्टी का तो ऐसा जो जीत जाए। भाजपा 90 के 90, 75 पार नहीं, 90 के 90। अच्छा ऐसा ना हो अगर 75 पार आ गई जो विपक्ष है फिर रोना रोने लगे कि ईवीएम हैक हुई है। भैया देखे ऐसा आदमी को भ्रमित करने के लिए लोगों ने जाल बुन रखे हैं कि ईवीएम बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, कुछ नहीं है, बौखलाए पड़े भैया, इन्हें 70 साल देश की सिकते सिक कर दी, तो अचानक हाथ में थे शासन राज निकल गया, तो आदमी अब इन्हें ईवीएम के रोना ही रोएगा और काहे रोएगा। अच्छा आपको नहीं लगता कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी यहाँ पर उनको? भैया पिछले मैं तो कह रहा हूँ 20 साल तक कोई टक्कर ना हो। अच्छा हाँ, कोई 20 साल बाद कोई सिस्टम बना तो कहना सके, बाकी 20 साल तक तो। अच्छा अगर हुड्डा जी नई पार्टी बनाते हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जमानत जब्त हो जाएगी, अच्छे अच्छे इनकी आएगी भैया, अब ये नई पार्टी बनाएंगे, इन एलों ने भी नहीं बना ली, दो उनमें आएगी, दो कांग्रेस में हो जाएंगी, कुछ ना धीरे धीरे अपने आप इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एक ही पार्टी रह जाएगी भाजपा इंडिया के अंदर। तो अच्छा कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, ये तो सर पप्पू है, इनका क्या है, इनका तो कोई है ही नहीं यहाँ पे माहौल, इनका माहौल तो 370 जब हटी है ना जब इसे खराब हो गया। अच्छा 370 का कितना बड़ा इफेक्ट हरियाणा के अंदर पड़ने वाला है? 80% तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है जी, जो कांग्रेस के वोटर है ना वो आके बैठ जाते हैं, 370 हट गई, हमारा जम्मू कश्मीर को आ गया हमारे अंडर में, हमारा भारत पूरा हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब हमारा इंडिया एकदम पूरा है, हम तो बीजेपी के ही साथ हैं। अच्छा सर आप क्या कहेंगे जो धारा 370 हटाई गई है वो कितना असर हरियाणा के चुनाव में डालने वाली है? भैया कम से कम वो 95% असर है युवाओं पे, जो असर है हमारे युवा यूथ ब्रिगेड पे, और सारी होटल विधानसभा के अंदर पूरी यूथ पूरी समाज हमारे भाई हरेंद्र के साथ है जो राम रतन जी के लड़के हैं। जो हरियाणा के जाट है वो किस तरफ जाने वाले हैं अब की बार? बीजेपी सरकार की तरफ है, पूरा बहुमत बीजेपी सरकार, पूरी यूथ बीजेपी सरकार की तरफ है हमारी। अच्छा क्या कारण है, किस लिए बीजेपी को लोग इतना पसंद यहाँ पर कर रहे हैं? मोदी जी के काम की तरफ से, और जो 370 धाराटी है जो एकदम एकाएक काम हुए हैं, जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था, इस काम की वजह से सब युवा जितने रोजगार मिल रहे हैं, एक तरफा रोजगार मिल रहे हैं बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना खर्चा के जो रोजगार मिल रहे हैं इसकी वजह से। भैया चुनावी माहौल भाजपा को ही है और बहुत जबरदस्त चल रहा है, जैसे कि आपने होटल की अभी जो रैली देखी थी, ये फरीदाबाद से टॉपर की रैली है जो भाई हरेंद्र जी के उसमें हुई है, और टिकट के भी दावेदार होटल से ही भाई हरिंदर जी हैं। अच्छा जैसे हुड्डा जी, आपको नहीं लगता मुकाबला कड़ा होगा इस बार? एक तरफा मुकाबला भाजपा का ही। तो आप भाजपा को किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? भाई भाजपा को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये एक हिंदूवादी पार्टी है और हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, और हम इसके साथ हैं, जो हमारा यूथ है इसके लिए जी जान लगा देगा आधी रात भी, और हमारे होटल विधानसभा से भाई हरिंदर के लिए भी आधी रात खड़ा है, और इनको जीत कर चंडीगढ़ भेजेंगे। अच्छा राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी उनकी नीति गलत है, और वो कांग्रेस के नाम से तो हमारे यहाँ सभी पत्ते भी नहीं कहते ना, पेड़ भी छाया नहीं देगा कांग्रेस से, फूक चुका, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति की है, पाकिस्तान के कहने पर वो काम करते, उनको हमारा देश नकार चुका है, और एक राम राज्य चल रहा है पूरे भारत देश में, और हम मोदी को अपना लीडर मानते हैं और वो बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा किन मुद्दों पर अब की बार आप वोट देने जा रहे हैं खट्टर सरकार को? बीजेपी एक तो नीति सही है, विकास करती है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया और रिश्वत बंद कर दी, हम जाते हैं तो 5-10 मिनट में 20 मिनट में काम हो जाता है, पहले लाइन में लगना पड़ता था, अब देखो सिलेंडर का गरीब आदमियों के घर कनेक्शन पहुंचा दिया, एक धुओं में हमारी लेडीज कैंसर या अन्य बीमारियों से निपट रहती थी वो खत्म हो गई हैं, और ये विकास समान विकास करते हैं, किसी नेता की जरूरत नहीं है, नौकरियाँ बिना पैसों के मिल रही हैं, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो सभी को नौकरियाँ मिल रही हैं, भेदभाव नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमने अपने भाई हरिंदर विधानसभा से चुना है क्योंकि वो उनकी नीति अच्छी है, जो अब नए नए नेता आ रहे हैं वो मतलब की राजनीति करते हैं और उनको हम नकार चुके हैं। अब की बार हरिंदर भाई साहब का चुनावी माहौल सबसे ज़्यादा है, और अब की बार 75 पार 80 पार होगी, पहले कभी यहाँ बीजेपी का विधायक नहीं बना, अब की बार ये होटल विधानसभा क्षेत्र बीजेपी सरकार का MLA बना के भेजेगी। अच्छा क्या लग रहा है आपकी बार किस मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं बीजेपी को? बीजेपी को इस मुद्दे पर वोट देंगे जो ईमानदारी से बिना पक्षपात बिना भेदभाव के नौकरी दिए टेस्ट के आधार पर, इस वजह से हम खट्टर सरकार को वोट देंगे। अच्छा लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है विपक्ष है वो कहती है कि बेरोजगारी है हरियाणा में, आप कह रहे हैं नौकरी दी है? नहीं हर किसी को तो रोजगार नहीं मिल सकता, अब तो योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, अब और जो योग्यता टेस्ट क्लियर करे उसको नौकरी 100% है। अच्छा ये बताइए मुकाबला कैसा है यहाँ पर, कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं, अब की बार बीजेपी की पूरी हवा है। भाई साहब खट्टर जी का स्वागत तो हरियाणा का ना बच्चा बच्चा दिल से कर रहा है,
और पिछले 70 साल में हमने देखा है, ये कह रहे हैं विकास विकास, क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं। हमारे होडल क्षेत्र में तो एक दुख की बात यह है, उदयवान जी कहते हैं कि हमने विकास कराया, पिछले 10 साल ही रहे थे, एक ITI, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज, कोई बस स्टैंड, कोई पानी का साधन, सिंचाई के लिए, पीने के लिए कोई भी तो साधन नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने चौपाल बनवाई, गली बनवाई, क्या गली और चौपालों से हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं हुआ इन पर अभी तक भी। तो जो पिछले 4.5 साल में BJP आई, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश के साथ कॉलेज अस्पताल। अच्छा, कितना विकास हुआ है यहाँ पर पिछले 4.5 सालों में? देखो जी, विकास बहुत काफ़ी हुआ है और आगे 4.5 साल में जो विकास के इन्होंने रास्ते खोले हैं, अब जमुना पुल की तैयारी की जा रही है, काफ़ी दिनों से जो चल रहा था उसमें टाइम लगता है, तो जनता की आवाज़ है पिछले 70 सालों से इनकी गुलामी से, इनके मतलब हम देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये तो बिल्कुल ही हिंदुस्तान की तो भाषा ही नहीं बोलते, तो भाषा ही पाकिस्तान की बोलते हैं कांग्रेस वाले, तो लोग इनसे उब चुके हैं और अपना मन बना चुके हैं, एक हिंदुस्तान में पूरा एक ही आवाज़ आएगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हरियाणा में जय मनोहर लाल। अच्छा, जैसे धारा 370 हटाई गई है, उसका चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है भाई साहब? 370, 3 तलाक, ये मतलब एक तरीका से जम्मू कश्मीर को आज़ादी अब मिली है, वो तो गुलाम था पहले ही, उनको अब आज़ादी मिली है और आज़ादी के हिसाब से हर लोग शिक्षित है, कुछ लोग चंद जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे वो लोग नहीं चाहते थे, ये कांग्रेस ही नहीं चाहते थे कि कश्मीर मुक्त हो, भारत का मुकुट मुक्त हो। धन्यवाद करेंगे हम मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने भारत का सरताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तक आज़ाद किया है और स्वतंत्र किया है, और एक झंडा, एक कानून, एक संविधान जो उन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जनता इसी पर खुल करके वोट दे रही है और वोट देगी आगे। अच्छा, हुड्डा जी से किस तरह का मुकाबला है, क्योंकि उन्होंने जो है धारा 370 का तो समर्थन किया है, साथ ही कांग्रेस को छोड़ने को भी, उन्होंने अलग पार्टी बनाने को भी कहा है, संकेत उन्होंने दे दिए हैं भाई साहब। 18 तारीख को ना हुड्डा जी के साथ लोगों का कुछ भरोसा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोग काफी गए थे, बड़ी भीड़ थी रैली में, लेकिन उसने कहा था ना, शुद्ध मन से, साफ आत्मा से मैं आपके सामने आया हूँ, और बाद में क्या हुआ, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, कुछ नहीं मिला, तो अपना विश्वास भी खो दिया, और वो कांग्रेस में रह करके हो सकता है शायद वो अलग निकल के आते या BJP में आते तो लोग उनका सम्मान करते, उन्होंने तो अपनी पिछली भी और अगली भी सब क्रिक्री करा के बैठ गए, अब कोई वजूद हुड्डा साहब का मुझे नज़र नहीं आता, अगर वो अलग पार्टी या कुछ ऐसा करते तो लोग हो सकता है उन पर कुछ विश्वास करते, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो काम किया था लोग समझ गए, एक वो दबाव बनाना चाहते थे कांग्रेस पर, लेकिन वो दबाव भी मेरे साथ नहीं बना पाए और लोग भी उनको बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए जो पिछले 4.5 साल रहे हरियाणा में खट्टर सरकार के, कैसे रहे, किस तरीके से आप उनको देखते हैं? देखो जी, बहुत अच्छे रहे, और दूसरी बात यह है, एक हम एक परिवार चलाते हैं, हमारे घर में 5-7 बच्चे बुजुर्ग होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी की मतलब पूर्ति नहीं हो पाती, और फिर 4.5 साल हुए हैं, मतलब बिगड़ी हुई खिचड़ी, बड़ी बिगड़ी हुई सब्जी को सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, एक तहसीलदार, दाखिल खर्च, पटवारी, 1,000, 2,000, 5,000, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है, जाइए कराइए, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कुछ विकास हुआ है और आगे समय लोग दे रहे हैं, अगले आने वाले 5 सालों में मुझे उम्मीद है हमारे नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर देंगे, और आगे इनको को ना कुछ करने के लिए जो कांग्रेस वाले हैं या और हैं, इनको कुछ मुद्दा ही नहीं मिलेंगे, एक हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा मुद्दा ही नहीं रहेगा आगे। भैया, BJP ने निष्पक्ष तौर से जो है वो नौकरी दी है और खूब विकास करें बढ़िया, क्योंकि जो है हमारे यहाँ तो कॉलेज बनने के भेंडोली मंजूर है, वो पुल के लिए यहाँ भी खूब जोर लगा रहे हैं जमुना जी के। अच्छा, होडल में कितना विकास हुआ है, होडल के अंदर पिछले 4.5 सालों में कितना विकास हुआ है? वाह, होडल के अंदर भी खूब मंडी बनी है अब नई, होडल के अंदर भी और जो है काफ़ी काम हुए। अच्छा, कांग्रेस भी तो टक्कर में है, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कांग्रेस टक्कर देगी यहाँ पर? भाई सर, ऐसा कांग्रेस का भाई रुतबा कम है, कांग्रेस जो है आपसी फूट से जो है ख़त्म ही है, कांग्रेस की तरफ से लोगों का रुझान जो है हट चुका है ज़्यादातर, BJP सरकार की, और BJP की यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है, BJP बनेगी यहाँ। किस लिए साथ है आप BJP के?
बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, जो नौकरी है उनमें रिश्वत ना ले रही, और जो बालक कामयाब है कामयाबी की ओर से कामयाब होता जा रहा है। अच्छा आप क्या कहेंगे सर? भैया बीजेपी कोई माहौल है यहाँ तो? आप किस लिए वोट दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मिटाया, निष्पक्ष नौकरी दी है और विकास को भी बढ़िया करवाया। अच्छा आप क्या मानते हैं कितना कम हुआ है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार 100% कम है वो, ठीक है ना, 100% कम है वो।